भाई हम तो यही कह रहे हैं कि ये गाड़ी के घोड़े ये डीजल की वजह से खड़ी हो जाए और घोड़ों की सवारी करने लगे लोग। कोई सर इसमें 200 रुपये किलो है, कोई 150 रुपये किलो की है, कोई 260 है। वे आए घरों में से निकल के और घोड़ों की रेस भी होती है, मेला अच्छा लग रहा है जी। अलम न्यूज की टीम पहुंची है आज घोड़ों का मेला जो हनुमानगढ़ जंक्शन बाईपास पर लगा हुआ है और यहाँ एक दुकान सजी हुई है, इन्हीं से जानते हैं काय की दुकान है, कैसे ये जो है बेचते हैं, क्या काम आती है। हाँ जी, पहले तो नाम परिचय देते हैं। सर ये मसाला होता है जी घोड़ों के लिए, गाय भैंस के लिए, बकरे के लिए। ये हाजमे के लिए होता है, जो घोड़े के कनार हो जाती है जिसमें जुखाम हो जाता है, आँख से नाक से पानी जाता है, घोड़े के छाला हो जाता है, जो घोड़े के हड्डा बढ़ जाता है, और हाजमे के लिए होता है ये बाबू जी। और ये सभी चीज़ ये 36 चीज़ होती है हमारे पास में, सबको पीस के तैयार करके देता है। जैसे कि ये कलमी सोरा है, ये शरबत बजूरी है, ये मग मरोड़ फली है जो घोड़ी लीद में पानी फेंकती है, ये कोड़तुम्मा जानते हो आप, ये जो है होता है ये हाजमे में बाय बादी के लिए होता है सर, ये कड़ू होता है जो पेट में कीड़े हो जाते हैं पशु के, ये बेड़ा बादाम है फुलावट के लिए होती है, बेल यो थोड़ा ये बूटी उठा के भी दिखा दें कौन सी बूटी है। ये सर ये बेड़ा होता है, ये फुलावट के लिए होता है, और ये गिलो बेल होती है बुखार के लिए होती है, नीम वाली होती है, नीम पे चढ़ती है। ये सफ़ेद कड़ू होता है जो कीड़ा हो जाता है जानवर के पेट में, कीड़े को साफ करती है। और ये काली कुटकी होती है जी, ये ताकत के लिए होती है, ये कड़वा चिरायता है सर, ये कड़वा चिरायता बुखार में काम करता है जी। और वो सूखा हुआ आंवला है जी, ताकत के लिए होता है। ये सरनाई पत्ती है, कब्जी के लिए होती है। केसु फूल है ये, जो गाय भैंस घोड़ी पिसाब में चर्बी फेंक जाती है। और ये काला बासा होता है जी, जो पशु को खांसी हो जाती है, धसकने लगता है। और ये तुम्हे की जड़ होती है जी, ये बाय बादी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये है जी गुंधाई का फूल, जो लहू को फिल्टर करता है। ये कूड़ा छाल होती है, जहरबाद के लिए होती है ये, और काली जीरी होती है वो, ये दोनों चीज़ उसमें काम करती है। ये डोडी पनीर होता है जी, जो सुकड़ा हो जाता है पशु को। ये अनारदाना होता है जी, जो घोड़ी लीद में पानी फेंकती है। ये समुद्री झाग है जी, जो हाइट बढ़ाती है। ये काली जीरी जहरबाद के लिए होती है जी। ये बेल पत्थर होती है जी, ठंडी होती है जानवरों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, आदमी भी जूस पीते हैं इसका गर्मी में। और ये सोम मेथे होते हैं सर, ये हाजमे के लिए होते हैं। वो भिलावा होता है जी, वो जो पशु हिट पे नहीं आता वो हिट पे आता है उससे, वो जरा आ रही है ये है जी। और ये सभी चीज़ इसमें पीस के तैयार कर रखी है सर। एक चीज़ जानूंगा, ये दवाइयाँ आप कहाँ से खरीदते हैं सर? दिल्ली से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं सर? दिल्ली से लाते हैं। हाँ जी जी, दिल्ली से जी सर। तो इनके कोई रेट वगैरह दरें क्या है? अमूमन अनुमानित कितने रुपए किलो बिकती है? ये अलग अलग दवाइयाँ तो अलग अलग हैं वैसे। जी जी, हाँ आपने देखा जाए तो जी सर, कोई सर इसमें 200 रुपये किलो है, कोई 150 रुपये किलो की है, कोई 260 है, कोई 140 है, इस हिसाब से अलग अलग रेट है इसके। आप जो है इस मेले के अंदर पहुंचे हैं जी सर, तो बिक्री का क्या रुझान है लोगों का, खरीद का? बस अभी तलक तो जी हल्का ही है मामला, वैसे बिक्री हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। और हर साल हम आते हैं इस मेले में। दिल्ली से जी सर। कहाँ का आप? श्यामली है जी अपना, यूपी। श्यामली जी सर, यूपी से। जी से आते हो? जी सर। तो हनुमानगढ़ का यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं जी यहाँ के, ईमानदार लोग हैं, जो चीज़ खरीदते हैं पैसा देते हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ के जो आदमी हैं, ईमानदार लोग हैं जी। जो घोड़े का मेला नहीं देखने आ रहे और घरों के अंदर भी बैठे हैं, जैसे आपने इतना विवरण दिया है दवाइयों का और यहाँ का, जी सर, उनके लिए क्या अपील करेंगे? वे अपील ये कर रहे हैं जी कि वे आए घरों में से निकल के और घोड़ों की रेस भी होती है, मेला अच्छा लग रहा है जी, और आप जो घरों में अंदर हैं तो आए बाहर निकल के और घोड़ों का मेला देखें। लोग जो है टेलीविजन या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और जो घोड़ों के प्रति शौक था कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है इंडिया के अंदर, चाहे राजस्थान की बात करें जी सर। जी उस पर क्या कहेंगे आप? सर ये है कि घोड़ों का जो शौक है तो शौक होना चाहिए, ये अच्छी घोड़ सवार जो होती है बहुत अच्छा जानवर होता है, एक मर्द बहादुर कौम होती है घोड़े की, और ये शौक होना भी चाहिए घोड़े के लिए। और जैसे तेल पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है रेट और वापस घोड़ा गाड़ी और वो आएगी, क्या मानते हैं आप? वे तो आ जाए तो जी अच्छा होता है जी, जो घोड़ा आ जाए, घोड़े की सवारी पहले क्या करते थे,
अब से 50-60 साल पहले। अब भी हम तो यही कह रहे हैं कि ये गाड़ी घोड़े ये डीजल की वजह से खड़ी हो जाए और घोड़ों की सवारी करने लगे लोग। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।